इधर कांग्रेस की जीत पर प्रदेश अध्यक्ष किरण बारा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि ये जनता की जीत है। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ हैं। करण जी, कैसे आप देखते हैं विधानसभा उपचुनाव, विपक्ष का जीत जाना कैसे लेते हैं? देखिए, कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही थी। कांग्रेस के सभी सीनियर, सभी वर्कर्स मेहनत कर रहे थे। चंपावत में जो हर्ष हमारा हुआ था, वहाँ से सफर शुरू हुआ। बागेश्वर में हम 12,000 की हार को 2,000 तक लाने में कामयाब रहे। मैंने उस दिन कहा था शुरुआत हो गई है, आज हम दोनों चुनाव जीते हैं। ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का भी असर है। ये खड़गे साहब का जो प्रदर्शन रहा हाउस में, उसका असर है। और सबसे ज़्यादा लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी परफॉर्म कर रहे हैं, उसका असर, व्यापक असर जनता में था। और उत्तराखंड की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। आज उन्होंने साबित कर दिया धनबल और बाहुबल को कहीं मौका नहीं देने वाले हैं। बीजेपी ने नैतिक हार पहले स्वीकार कर ली थी जब उन्होंने अपने कैडर, अपने आइडियोलॉजी के आदमी को टिकट नहीं दिया, और उसका ये व्यापक असर था। हम मंगलौर में गुंडागर्दी रक्षक को भक्षक होते हुए हमने देखा। आप सब मीडियाकर्मियों ने दिखाया किस तरीके से पुलिस वहाँ मिसयूज़ कर रही थी अपने बल का। और जो काम पुलिस का नहीं था, जो इलेक्शन कमीशन का था, आईडी चेक करने के लिए पुलिस कर रही थी, वो बिना देखे वो मारपीट कर रही थी। वो वीडियोज़ आपने देखे, एक रावत और दो शर्मा अपने उच्चाधिकारियों के कहने पर वहाँ बदमाशी कर रहे थे, वो हमारी सबकी नज़र में है। सरकार आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे। दूसरी बात, मैं बद्रीनाथ के लोगों को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जिस तरीके से उनने पैसे को ठुकराया, बाहुबल और सत्ता को ठुकराने का काम किया, क्योंकि अभी बीजेपी की 2 साल सरकार है, उसके बावजूद कांग्रेस के लोगों को वोट देना, ये साबित करता है कि अब जनता के बीच में प्रभाव आया है। मैं इंडिया गठबंधन के साथियों को धन्यवाद देता हूँ, अपने सभी सीनियर्स को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कड़ी मेहनत की। और जो काम भगवान राम के यहाँ से शुरू हुआ, राम भगवान के अयोध्या से लेकर उसके अगल बगल की 6 सीटें बीजेपी हारी, और आज बद्रीनाथ हारे हैं। बद्रीनाथ झाकी है, केदार अभी बाकी है, ये हम कह रहे हैं, क्योंकि भगवान रुष्ट हैं। केदारनाथ में सोने की चोरी हुई और बीजेपी ने उसमें जांच तक नहीं बैठाई। इन्होंने लगातार शंकराचार्य जी का अपमान किया, इन्होंने गंगा जमनी तहजीब को खंड खंड करने का काम किया। जो भारत की ताकत थी, जो गंगा माँ का पानी और जो जमजम का पानी है उसको एक माना गया, वो भगवान का पानी माना गया, उसके बीच में दरार डालने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, आज उनके मुंह में थप्पड़ लगी है। अंकिता के न्याय को जिनने प्रभावित किया, जिस तरीके से महिलाओं के अत्याचार इस राज्य में बढ़े, बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, भर्ती घोटाले हुए, उस समय लग रहा था शायद ऐसा नहीं, लेकिन हम हल्के चीज़ों को लोगों के बीच ले जा रहे थे और आज उसका असर दिख रहा है। बद्रीनाथ झाकी है, केदारनाथ बाकी है, ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का। उनका कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ी है, दोनों विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की है, लेकिन केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भी तैयारियां शुरू करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून।